वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज हम रेडिस इकोसिस्टम का रिव्यू करेंगे, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है XRD है। तो रेडिस इकोसिस्टम क्या है बेसिकली, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे काफी कुछ लिखा हुआ है। ये एक Web3 इकोसिस्टम है और Web3 इकोसिस्टम में जो मेन चीज क्या होते हैं, फाइनेंस। तो ये एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर है और इसके इकोसिस्टम को यूज करके डीफाई एप्लीकेशन जो सिक्योर है और सिक्योर मैनर में जो वो काम करते हैं, इसके अलावा ऑडिट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो Web3 इकोसिस्टम में फाइनेंस को एक तरह से संभालने के लिए एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर डेवलपर आके बिल्ड करते हैं और इनको कुछ टूल वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद ये डीफाई से रिलेटेड इकोसिस्टम या एप्लीकेशन वो तैयार करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इंसेंटिव प्रोग्राम भी है, जो भी डेवलपर इसको या तो शेयर करता है या कोई और जो तरीके से इसको यूज करता है, उसके लिए कुछ रिवार्ड, कुछ रॉयल्टी बोनस वगैरह दिए जाते हैं। कुछ मेजर चीजें मैं बता दें तो इनकी इकोसिस्टम में क्या है, डीफाई इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए ये जो नेटवर्क है बनाया गया है। अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी का ऑप्शन होता है इसके अंदर, ये नहीं कि भाई कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या कोई स्केलेबिलिटी के लिए इन्होंने ऑलरेडी इस चीज को बड़े ध्यान से सिक्योर बनाया है। ठीक है, डेवलपर फ्रेंडली एक्सप्लॉइट प्रूफ, तो डेवलपर जो इसमें जो भी एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करता है तो एक्सप्लॉइटेशन के जो चांसेस है वो काफी कम होते हैं। सिक्योर, क्योंकि वो सिक्योर होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इसके अंदर बिल्ड किए जाते हैं और डैप वगैरह भी बिल्ड किए जाते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है दोस्तों, रस्ट लैंग्वेज यूज होती है, जो काफी सिक्योर लैंग्वेज है अपने आप में। तो ये समझ लो ये एक ब्लॉकचेन तो नहीं है बट एक ऐसा सिक्योर्ड नेटवर्क इकोसिस्टम है, और जिसको लेजर इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो एप्लीकेशंस, जो फाइनेंस एप्लीकेशंस के लिए स्पेशल जो बिल्डअप हुआ है। डेवलपर के लिए एक मेजर चीज है कि ये डेवलपर शेयर और इसके ऊपर कोई इकोसिस्टम बनाता है, उसके बदले में उसको कुछ जो है होते हैं रॉयल्टी बोनस वगैरह मिलते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो रेडिक्स का जो काउंट होता है जो Level 1 नेटवर्क लेजर में होता है, तो Level 1 अलग होता है, Layer 1 अलग होता है दोस्तों। तो ये इसको Level 1 लेजर बोलते हैं, जो लेजर में भी एक अच्छी क्वालिटी की जो लेजर इकोसिस्टम होता है, होता ये ब्लॉकचेन के जैसा ही है, लेकिन इसको प्रॉपर ब्लॉकचेन नहीं बोल सकते बिकॉज एक ही नेटवर्क को ये टारगेट करते हैं। इनके दो टोकन है ERD और ERC20। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब इनका ICO वगैरह हुआ था तो इनका कोई टोकन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, जो टोकन ERC20 में इन्होंने के टोकन में इन्होंने जो फंडिंग ली थी, और उसके बाद जो इन्होंने जो जो टोकन दिया था, इनके पास इनका अपना टोकन नहीं था, EXRD जो टोकन था इन्होंने दिया था, और ये जो EXRD टोकन है वो रिलेट करता है इनके इनके लेजर को, और ये जो आपस में ब्रिजिंग इकोसिस्टम है, पूरा कम्युनिकेशन है और किसी भी तरह की कोई नहीं है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, कहां से, डेक्स से। अगर कोई भी इंसान बाय करना चाहता है तो EXRD टोकन को डेक्स से बाय कर सकते हैं, और ERC20 वाला जो टोकन XRD टोकन है वो आप मतलब ये समझ लो कि आप एक्सचेंजेस वगैरह से भी बाय कर सकते हैं। तो दोनों ही टोकन इनके हैं और पूरा कम्युनिकेशन ब्रिजिंग वगैरह का इकोसिस्टम है। अगर आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों और भी चीजें इसके अंदर देखते हैं। ये तो इसका एक्सप्लोरर है, सारी ट्रांजेक्शन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है, काफी सारी ट्रांजेक्शन ये डेली बेसिस पे यहाँ पे होती रहती है। उसके अलावा यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है इनके ऊपर यूज केस है, बट मैं आपको एक वर्बली एक यूज केस बता दूंगा इसका। जो इस लेजर इकोसिस्टम के ऊपर जो ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट बिल्डअप हो चुके हैं, उसमें से मुझे जैसे जितना पता चला है कि 30 जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, और इसमें जो प्रोजेक्ट के अगर नाम ले तो Cavrion 9, रेड लैड्स और डेक्सियन प्रोटोकॉल, OCSwap, द रेडिक्स डेक्स। तो रेडिस की जो डेक्स है उसका नाम है OCSwap। ठीक है, इसमें काफी सारे स्वैप है, डेक्स है और गेम भी है इसके अंदर, इसके ऊपर बिल्डअप हुई है। और आगे अगर चलते हैं तो इसका जो चार्ट वगैरह, इसका पूरा जो इससे रेडिक्स के से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सामने आती है। तो इसके अंदर जो रेडिस का जो प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन है, और जो टोटल जो वैल्यू लॉक्ड है 30 डेज की वो 4.5 मिलियन, या मतलब 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन आप समझ सकते हो
कि 5 मिलियन से अबव हो चुकी है, और इसके अलावा जो स्टेक्ड चेंज है 30 डेज के अंदर 15 मिलियन से ज्यादा ये स्टेक्ड हो चुके हैं। जो reddingschart.com पे जाएंगे तो यहाँ पे इकोसिस्टम के ऊपर सारी जो टोकन मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके इकोसिस्टम के अंदर जो जो टोकन है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो TVL है, TVL की इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके TVL की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो TVL है 5 मिलियन से ऊपर जा चुका है, और जो लिक्विड स्टेकिंग है वो 194 मिलियन के आसपास है, ठीक है, और 199 मिलियन के आसपास कंबाइन वैल्यू लॉक्ड है इसके ऊपर, मतलब 200 मिलियन के आसपास। देखो काफी दिनों से एक ही रेशो में ये घूम रहा है, बट ये समझ लो कि ये फ्यूचर में बुल रन में अच्छा कर सकता है, यूज केस अच्छा है, बट ये एक ऐसा यू नो मीन कॉइन नहीं है, ये प्रॉपर यूज केस के साथ ये इकोसिस्टम रन करता है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर ये इकोसिस्टम, अगर ये नेटवर्क को रैंक देखोगे 112 है, और जल्द ही ये 100 की रैंक के बीच में आ जाएगा। यूज केस बता दूंगा, उसके बाद प्राइस एक्शन की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो यूटिलिटी है, नोड्स आर रिक्वायर्ड टू लॉक XRD, जो नोड्स वगैरह है जो भी इसके ऊपर डेवलपर आता है, जो नोड होता है, जो वैलिडेटर होता है, नोड चलाता है इसके ऊपर, तो वो नोड के लिए XRD टोकन चाहिए होता है उसको, वो नोड को XRD टोकन को लॉक करता है और जो है डेलीगेट करता है, उसके बाद ही वो वैलिडेटर उसको रन कर पाता है। जो नेटवर्क के ऊपर कोई भी चीज होती है उसके लिए XRD जो टोकन है वो यूज होता है। गैस फीस एज ए यूटिलिटी गैस फीस के लिए यूज होता है, जैसे इथेरियम के ऊपर एथ यूज होता है, वैसे ही ये जो रेडिक्स इकोसिस्टम के ऊपर जो है रेडिक्स टोकन यूज होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नोड की रिक्वायरमेंट के लिए ये भी यूटिलिटी बनती है, मैंने ऑलरेडी बताया कि नोड के लिए XRD टोकन लगेगा, या तो कोलेट्रल या स्टेकिंग के रूप में ये जो XRD टोकन रख सकते हैं, उसके बाद ही नोड रन होगा। और डिमांड कैसे बढ़ेगी दोस्तों, एक तो जो स्टेकिंग इकोसिस्टम जो मैकेनिज्म है उससे बढ़ेगी, और यूजर लुकिंग फॉर गेन यील्ड विल परचेज जो XRD, तो यील्ड के लिए होती है, ये तो जस्ट एक नॉर्मल चीज है। मोटा मोटा बताया है कि जो इसकी जो डिमांड है इनके इकोसिस्टम से बनेगी, इनके मैकेनिज्म से बनेगी, जो एक तो स्टेकिंग इकोसिस्टम है, दूसरा जो डेवलपर है वो इसको यूज करने के लिए जो है डिमांड में ये चीज आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है। ऑलरेडी काफी जो इसका मार्केट कैप है वो मैं आपको दिखा दूंगा। वैल्यू बनाने के लिए इन्होंने एक चीज का और ध्यान दिया है कि इस टोकन का जो यूज होगा, जो डेवलपर वगैरह जो भी करेंगे, जब भी इसका इकोसिस्टम यूज किया जाएगा तो उसके लिए जो ये वाले टोकन जो XRD टोकन है वो लॉक होंगे। उसके साथ साथ जो बर्निंग इवेंट होगा, जो भी बर्निंग होता है, इसके अंदर बर्निंग इकोसिस्टम भी है, जो भी बर्निंग होगा उसके लिए भी XRD टोकन का यूज केस होगा, मतलब बर्न करेंगे टोकन को टाइमली, और वैल्यू एक्यूरेट टू द प्रोटोकॉल, हाफ ऑफ द ट्रांजेक्शन फीस आर बर्न, जो आधी से ज्यादा अभी तक इन्होंने कलेक्ट करी है वो फीस को बर्न कर दिया है, जिससे इसकी डिमांड जो है लाइमलाइट में आ सकती है फ्यूचर में। जो एमिशन आ रहा है, एक और अच्छी बात है जो इसमें एमिशन आ रहा है, एमिशन मतलब जो मार्केट में टोकन जो सर्कुलेशन में आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो स्टेकिंग के जरिए आ रहे हैं। अमाउंट टू एन एस्टिमेटेड 300 मिलियन यूनिट पर ईयर, तो 300 मिलियन टोकन जो हर साल आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, इस टाइम के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। 300 मिलियन टोकन इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखते जो डंपिंग से डरना चाहिए हमें, ठीक है। ड्यू टू रिलीज एवरी ईयर नेक्स्ट 40 ईयर्स, तो हर साल जो इसके टोकन 300 मिलियन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट तो इस हिसाब से तो अगले 40 साल तक ये टोकन मार्केट में आएंगे, तो 40 साल तक तो कोई भी किसी भी तरह के घबराने की बात नहीं है, अगले 1-2 साल में सारे टोकन मार्केट में नहीं आएंगे। और जब से जो बेबी लोन जो रिलीज हुआ है, 50% ऑफ ट्रांजेक्शन फीस आर बर्न्ड व्हाइल 50% एलोकेटेड टू वैलिडेटर, तो फीस है दो पार्ट में डिवाइड की है, 50% तो इन्होंने अभी तक बर्न कर दी और 50% जो इन्होंने वैलिडेटर के लिए रख ली, और वैलिडेटर के लिए रख ली मतलब इन्होंने अपने जो इकोसिस्टम के लिए कुछ भी नहीं रखा, फीस को एज ए जो वैलिडेटर के लिए यूज करा और बर्निंग के लिए यूज किया। ये होल इकोसिस्टम था रेडिक्स टोकन का। अब मैं बताता हूं इसका जो मार्केट कैप है वो 530 मिलियन है, जो एक लेजर टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी अच्छा खासा है, ठीक है। और जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 10 बिलियन से ऊपर है,
और टोटल जो सप्लाई है 12 मिलियन से ऊपर है और 24 मिलियन जो ये पूरे जो यहाँ पे लिखा गया मैक्सिमम सप्लाई, तो इसके अंदर काफी बर्निंग भी हो चुकी है, तो इतने तो नहीं है अब। और इसके अलावा एक तो इतने भी नहीं है, दूसरा जो है बर्निंग के बाद जो टोकन बचेंगे वो 40 साल के अंदर अंदर आएंगे, तो पर ईयर जो 300 मिलियन टोकन आएंगे, जिससे घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसका जो फुल्ली डायलूशन भी है वो भी 1 बिलियन भी नहीं है, 654 मिलियन के आसपास है। तो ये इकोसिस्टम जितना रन करेगा उतनी टोकन की बर्निंग भी होगी। और अगर इसके इसके एक्सचेंजेस देखे जाए तो एक्सचेंजेस बहुत सारी है, जो हिट बीटीसी है, इसके अलावा ला टोकन है, डीजी फिनेक्स है, बिट मार्ट है, कोइनेक्स है, और एमएक्सी पे लिस्टेड है, गेट.io, बिट फिनेक्स और कूकॉइन के ऊपर लिस्टेड है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो एक्सचेंज है, मे बी जो कॉइन डेस फ्यूचर में आ सकती है और मे बी बाइनेंस भी फ्यूचर में आ सकती है, क्योंकि इकोसिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने जब इनसे बात करी, इनके जो टीम से है, बहुत क्विक जो है उन्होंने जो आंसर दिए, क्विक आंसर देने के साथ साथ एक एडमिन ने नहीं, 3-4 एडमिन ने आंसर दिए, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकी बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिव इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से 530 मिलियन के जो इनके ऊपर जो मार्केट कैप बन चुकी है अभी तक। ठीक है, और फ्यूचर में भी ये मे भी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन हम इसको एक बहुत बड़ी ग्रोथ अभी के लिए नहीं, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो काफी सारे इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन होता है कितने एक्स जा सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो कभी भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर जो है किसी भी तरह की जो मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। और अभी किसी भी तरह का कोई आप पैसा डालते हो, किसी भी एंगल से पैसा डालते हो, किसी का वीडियो देख के जाते हो, लेकिन मेरा कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं होगा, अपना फैसला आप खुद लेना। ठीक है, अब रहा कि ये जो टोकन है ये कितना जा सकता है। दोस्तों अगर ये टोकन फ्यूचर में 12-13 बिलियन, जो एकदम आसान सब्जेक्ट है, जो इससे पहले ये 4 बिलियन की जो मार्केट कैप अचीव कर चुका है, 4 बिलियन के लिए जिसने मार्केट कैप अचीव कर ली और ऐसी कंडीशन में ग्रोथ के बाद भी इसका जो एक्सिस में देखें, अगर हम देखें कि ये कितने एक्स जा चुका है, तो अभी भी यहां से कुछ ज्यादा एक्स नहीं किए, बिकॉज इसके ऊपर थोड़ी सी जो मार्केट में सप्लाई भी आनी थी और मोस्ट ऑफ द सप्लाई मार्केट में आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 बिलियन दिखा रहे हैं टोटल सप्लाई में और 10 जो मिलियन है वो सर्कुलेशन, मतलब टोटल सप्लाई के आसपास है। तो बहुत सारे टोकन है, अगर एडॉप्शन की बात होती है तो ये 12 जो बिलियन जो टोकन है ये इजीली अडॉप्टेबल है, मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी के टोकन तो आपको पता है पर ईयर 300 मिलियन के आसपास आ रहे हैं, जो बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। इकोसिस्टम कितना ग्रो किया है, 0.03 सेंट के ऊपर था ये एक साल पहले। कोई ज्यादा अगर ग्रोथ देखें तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, बिकॉज ये जो लोग हैं इकोसिस्टम के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। 64% की जो ग्रोथ है बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई ज्यादा है और एडॉप्शन में ज्यादा टाइम लगा, और इसका जो यूज केस है वो थोड़ा सा डीफाई एप्लीकेशंस को ही थोड़ा सा टारगेट करता है, इसलिए ये जो टोकन है इतनी ज्यादा ग्रोथ इसने दिखाई नहीं। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी इंसान कुछ सिक्योर जो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम में देख रहा है कि इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है 30x के आसपास मतलब दे सकते हैं इजिली, अगर वो टोकन को स्टेक करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे टोकन है वो इनको जो स्टेकर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऐसा इकोसिस्टम जो स्टेकर्स के लिए ज्यादा बढ़िया होता है, ऐसी कंडीशन में 30-50x भी जो है स्टेकिंग करने के बाद वो इजीली मिल सकता है। तो इकोसिस्टम अच्छा है, लेकिन जो इसकी सप्लाई काफी बड़ी है और यूज केस का जो अगर लेवल देखा जाए तो काफी अच्छा खासा है, लेकिन इसको ब्लॉकचेन भी नहीं बोल सकते, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है इसके अंदर, अगर इन्वेस्टर को समझना पड़े थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, बट इट्स फाइन। जो इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन एक तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इन्वेस्टर के लिए हो सकती है इसको समझने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो ऑलरेडी इसका जो प्राइस है ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो 65 सेंट गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में ये 65 सेंट को इजिली ब्रेक कर देगा
और $1 इसके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। $1 इसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज जिस तरह से ये बर्निंग वगैरह कर रहे हैं और इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, तो $1 के लिए इसको कुछ ही टाइम लगेगा। मतलब ये समझ लो कि नेक्स्ट बुल रन में इजीली $1 हो जाएगा, क्योंकि स्लो है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई कल परसों या 3 महीने में या 1 महीने में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। मुझे अगर देखा जाए तो ये इकोसिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर प्राइस और इन्वेस्टिंग के पर्पज से देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब लेकिन सिक्योर है। मतलब जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा वो उसको टोकन स्टेकिंग से भी मिलेंगे, और प्लस अपना जो धीरे धीरे इसका जो वैल्यू बढ़ेगी वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च कर लेना। मैंने कर ली है, वही रिसर्च आपके सामने है, उसके बाद आपको अपनी रिसर्च जो फाइनल स्टेज के ऊपर करनी है उसके बाद इन्वेस्ट करना है। तो ये छोटा सा वीडियो था रेडिक्स के ऊपर, किसी भाई ने पूछा था और वो इसको जो देखना चाहते थे इस टाइप का, तो मैंने उनकी हेल्प करी है, ठीक है। तो काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं, दोस्तों सॉरी मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरी जो सोशल लाइफ है वो भी मुझे देखनी होती है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी जो भी आप टोकन मेरे को मैसेज में डालते हो यूट्यूब पे, बने रहो, ठीक है, मुझे रिमाइंड करवाओ। मैं 2 से 3 बार या 4 बार आपको रिमाइंड अगर करवाना पड़े तो उसको उसके लिए ऑलरेडी सॉरी बोलता हूं मैं। आप करो और उसको मैं देखूंगा जरूर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में जरूर देखूंगा उसको, और वो टोकन का मैं रिव्यू जरूर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, किसी के पास अगर टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम काम करते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मुझे मैसेज करो और हम उसको एक मीटिंग करेंगे, गूगल मीट करेंगे, उसके बाद अपने ग्रुप में हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।